हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यहाँ पर महिंद्रा की जो XUV 500 है वो अपने जो सेगमेंट में उसमें बेस्ट 7 सीटर हमें SUV देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर XUV 500 को कुछ 10 साल हो गए हैं अभी उसको लॉन्च किए हुए, और उस 10 साल में उसे 2 फेसलिफ्ट मिले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो उसका सेकंड जनरेशन का टेस्ट करा यानी कि किया जा रहा है अभी, और इसका जो सेकंड जनरेशन है वो हमें 2020 में लॉन्च देखने को मिलता, लेकिन अभी जो कोरोना के पेंडेमिक की वजह से उसका जो लॉन्च है वो पोस्टपोन करके 2021 में रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर महिंद्रा में ऐसा बता रहा है कि जो उसका नेक्स्ट जनरेशन होने वाला है XUV 500 का, उसको XUV 700 का नाम दिया जाएगा। तो इसकी जो रोड टेस्टिंग होती है या फिर कहीं ना कहीं इसकी जो टेस्टिंग चल रही होती है, तो वहाँ पर कुछ पिक्चर्स उसके कुछ रिवील हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके इंजन क्या क्या होंगे, इसकी इंटीरियर चेंज, इसका एक्सटीरियर में, और वैसे तो इसकी जो टेस्टिंग है उसमें हर बार जो फोटोज है उसमें एक कवर के पीछे इसको दर्शाया गया है, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो अपना ओरिजिनल लुक में हमें देखने को मिली हो। लेकिन फिर भी जो कुछ हमें इन्फॉर्मेशन है वो मिली है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है वो है, ये आपको एक नए ग्राउंड पे यानी कि एक आपको नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड देखने को मिलेगी, यानी कि जो XUV 500 है उसमें जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। इसमें जो अभी महिंद्रा का जो नया प्लेटफॉर्म है W601, तो उस पर हमें ये कार बेस्ड देखने को मिलेगी। वैसे ये जो प्लेटफॉर्म है वो XUV 500 से आपको बड़ा देखने को मिलता है, और इसकी जो नीचे की ग्राउंड क्लियरेंस आती है वो भी आपको XUV 500 के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा दी गई होगी। और दोस्तों, यहाँ पर हमें जो इसके स्पाई शॉट देखने को मिले हैं उसके देखकर यानी कि उसके जो लुक देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि इसका जो पूरा का पूरा एक्सटीरियर होगा वो एक ज़्यादा शार्प रखा गया होगा, एक स्टाइलिंग ऐसी की गई होगी, और आपको XUV 500 से ज़्यादा प्रीमियम लगेगा ये। फिर दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी बात है वो इसके कैबिन को एक्सपीरियंस के लेके होने वाली है। वैसे दोस्तों, जो महिंद्रा है उसकी हमें कोई भी ऐसी सेडान हैचबैक कार देखने को नहीं मिलती, सिर्फ जो इसको SUV लाइनअप है वही हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों, इसकी अभी जो रिसेंट SUVs है जैसे कि XUV 300 हो गई, फिर थार की जो सेकंड जनरेशन है उसमें जो आपको इंटीरियर और ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और जो आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं वो आपको प्रीमियम देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर इसकी जो कैबिन का जो पूरा एक्सपीरियंस हो गया, उसका जो लुक हो गया, वो आपको उतना ज़्यादा देखने को अच्छा नहीं मिलता है। वो जो हम कह सकते हैं आपको जो ओल्ड डिज़ाइन होती है वैसा आपको वहाँ पर फीलिंग होता है उसको इंटीरियर को लेकर, यानी कि इसके जो राइवल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में एक आउटडेटेड जो इंटीरियर होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो XUV 700 है वो महिंद्रा के लिए एक बेंचमार्क होगा उसको कैबिन के एक्सपीरियंस को लेके, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ड्यूअल डिस्प्ले का सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। इसके जो स्पाइस और रिवील हुए उसमें जिसमें एक होगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरा होगा आपको जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है वो। और दोस्तों, यहाँ पर इसका जो कैबिन के स्पाइस शॉट रिवील हुए उसके देखकर यानी कि उसकी डिज़ाइन को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि कैबिन को एनहांस करने के लिए उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, और अभी के इसके जो अभी आने वाले जो अल्काज़ार हो गए उसका कैबिन काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि उसकी टक्कर दे सके इतना ज़्यादा ये कैपेबल अभी हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इसकी अपहोल्स्टरी और इसके थीम को लेकर बात कर दूँ तो इसकी थीम और अपहोल्स्टरी आपको अपहोल्स्टरी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी जो डैशबोर्ड की थीम होगी वो आपको ड्यूअल टोन में देखने को मिलेगी, और इसकी अपहोल्स्टरी हमें जो इसकी स्पाइस और रिवील हुई है उसमें हमें ग्रे कलर जैसे हम क्रीम कलर कह सकते हैं वैसा आपको देखने को मिल रहा है। और इसकी जो अपहोल्स्टरी और इसका इंटीरियर हमें XUV 500 से मोर प्रीमियम देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों, यहाँ पर तीसरी बात है इसके फीचर्स को लेके, यानी कि इसमें आपको कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो इस सेगमेंट में आपको पहली बार देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें आपको एडवांस सेफ्टी टैग देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्टेंट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिल सकता है, और ये सारे फीचर्स आपको ADAS के टैग सूट होता है उसके एज अ पार्ट देखने को मिलेगा। ADAS यानी कि जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। और दोस्तों, यहाँ पर एक और बात कि इसमें आपको पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिलेगी जो कि आपको मेमोरी फंक्शन के साथ देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर दो बंदे कार चला रहे हैं तो वो दोनों बंदे अपने आप यानी कि अपनी जो हाइट और अपनी जो लेंथ है उसके हिसाब से अपनी कार की जो सीट्स होती है वो एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि अब जब दूसरी बार वो कार चलाएंगे तो उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक जो फीचर आता है वो बस उसको कह देंगे कि भाई इस नंबर का जो सीट है उसको सेट कर दो तो अपने आप सेट कर देगा, तो ऐसा कुछ हमें फीचर वो इसमें देखने को मिलेगा।
फिर दोस्तों यहाँ पर जो XUV 500 का जो टॉप मॉडल था, जिसके अंदर आपको डीजल में सिर्फ आपको जो AWD होता है यानी कि ऑल व्हील ड्राइव होता है वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो XUV 700 होगा उसके टॉप मॉडल में आपको डीजल और पेट्रोल दोनों में आपको ऑल व्हील ड्राइव देखने को मिलेगा, जो कि आपको इस सेगमेंट में पहली बार ये फीचर ऑफर कर रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर चौथी बात है, इसमें आपको दो न्यू इंजन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला होगा 2.2 लीटर का डीजल इंजन और दूसरा होगा 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। ये दोनों इंजन वही है जो आपको महिंद्रा की थार में देखने को मिलते हैं, यानी कि थार के जो इंजन है वो सेम इंजन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो पेट्रोल इंजन है वो 150 पीएस का पावर और 320 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क आता है वो जनरेट करेगा, और जो डीजल इंजन है वो 130 पीएस का पावर और 300 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। और दोस्तों ये दोनों इंजन है वो आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के साथ अवेलेबल करवाए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर इंजन को लेके एक और बात निकल के आ रही है कि इसका जो इंजन है, दोनों इंजन वो आपको थार को लेके ट्यून देखने को मिलते हैं, यानी कि ये जो XUV 700 है उसके लिए अगर महिंद्रा चाहे तो इसको अलग से ट्यून कर सकता है, यानी कि उसको और ज़्यादा पावरफुल बना सकता है, तो शायद हमें जो XUV 700 है उसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों सबसे लास्ट और पाँचवीं बात, इसकी प्राइस, इसके राइवल और इसको लॉन्च के लेके। दोस्तों यहाँ पर ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो XUV 700 है वो हमें जुलाई के अराउंड यानी कि जुलाई 2021 के अराउंड हमें जो है वो देखने को मिल सकती है। और दोस्तों मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस है वो 15 लाख से 20 या 24 लाख तक एक्सपेक्ट की जा रही है, जो कि एक्सो शोरूम प्राइस होगी। वैसे दोस्तों इसमें जो फीचर्स है वो आपको XUV 500 के कंपैरिजन बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही प्रीमियम आपको ऑफर किए जाएंगे, तो XUV 500 कंपैरिजन में इसकी जो प्राइस है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और दोस्तों सबसे लास्ट में इसके राइवल्स की बात कर दूँ तो इसके जो राइवल्स है वो हमें टाटा की सफारी देखने को मिलेगी, फिर जो हैरियर है वो भी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ जो MG हेक्टर और MG हेक्टर प्लस है वो हमें देखने को मिलेगी, और जो अभी जो हुंडई की नई कार आने वाली है अल्कज़ार, जिस पर मैंने वीडियो बना के रखा है तो जाके आप इसके बाद देख सकते हो उसको भी, तो दोस्तों जो अल्कज़ार है वो भी हमें इसके राइवल यानी कि कॉम्पिटिटर में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस कार को लेके आपका क्या सोचना है, यानी कि आपके इस कार में और ज़्यादा क्या फीचर एक्सपेक्ट कर रहे हो। वैसे मैं मेरी बात करूँ तो यहाँ पर जो कहीं भी पैनोरामिक सनरूफ का कहीं भी जिक्र नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगा। तो ऐसे और कौन से फीचर है जो आपको लग रहे हैं कि इसमें आपको देखने को मिलेंगे और जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यानी कि आपको ये मिलने चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताइए, और इस कार के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में यही कुछ था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में।